नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए फिर से न्यू जॉब वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पीएनबी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि यार जॉब के बारे में अपडेट करो, बैंक में जो जॉब निकाला गया हो तो इसके बारे में अपडेट करिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए पीएनबी का ही रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूं, जो कि यहां पे 10वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे। और वीडियो पे कमेंट भी आता रहता है कि भाई कम क्वालिफिकेशन वाला जॉब लेके आओ, तो आज मैं आप लोगों के लिए 10वीं पास के लिए जॉब लेके आ गया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पे पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि पोजीशन होगा यहां पर आप देख सकते हैं एजेंट का पोस्ट होगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट का होगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और 10वीं पास भी यहां पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग पीएनबी में जॉब करना चाहते हैं, वो भी अगर आप 10वीं पास है, कम क्वालिफिकेशन है, तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी आप लोग यहां पर भी देख सकते हो पीएनबी का न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है। जी हां दोस्तों, पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, नई भर्ती आ गया है। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर नो फीस है। नो फीस का मतलब यह है कि कोई भी फीस नहीं लगेगा, नो एग्जाम है, कोई भी फीस नहीं है, आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो। यह है अप्लाई फॉर्म जो कि मैं आपको भर के दिखाऊंगा। बाकी यहां पर दोस्तों सैलरी भी आपको हैंडसम मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट, और यहां पर रूल के हिसाब से, पीएनबी के रूल के हिसाब से हैंडसम सैलरी मिलेगा। 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट हो तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर पाओगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आसानी से। सो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग यहां पे पीएनबी मेट लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं इंश्योरेंस एजेंट के पोस्ट पे बिल्कुल फ्री में, वो लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिएगा पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECHTECJOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आएगा, पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा, ये वाला पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हो pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको ढेर सारा जॉब का अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में अपडेट किया जाता है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों पीएनबी का रिक्रूटमेंट का डिटेल निकालना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएनबी का रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है आज की ही डेट को, 30 जनवरी को। सो आप यहां पे क्लिक कर लेना। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पीएनबी का रिक्रूटमेंट का आर्टिकल आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं सारा डिटेल यहां पे बताया गया है। जैसे कि यहां पे वैकेंसी का नेम क्या होगा, किस पोस्ट पे जॉब है, अप्लाई मोड का डिटेल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल है, सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, सैलरी के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन का डिटेल, अप्लाई फीस का डिटेल है, और यहां पे हाउ टू अप्लाई का डिटेल है, और साथ साथ में यहां पे लिंक वगैरह प्रोवाइड किया गया है अप्लाई का और ऑफिशियल वेबसाइट का। यानी कि अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को इसी आर्टिकल में मिल जाएगा, तो यह आर्टिकल आपको अच्छे से रीड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो यहां पर देख सकते हो पीएनबी का न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, जो कि यहां पर निकाला गया है मेट लाइफ की तरफ से। जी हां, पीएनबी मेट लाइफ में रिक्रूटमेंट निकाला गया है। बाकी पोस्ट आपको ऑलरेडी पता है, एडवाइजर एजेंट का जॉब होगा। बाकी नीचे की तरफ अप्लाई मोड है, जो कि ऑनलाइन है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और जो एज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं यार, एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 18 प्लस होना चाहिए। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू हो सकता है आपका, मतलब आपका इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना, जो कि है www.pnbmetlife.com, यह है वेबसाइट, आप यहाँ पर आ सकते हो। बाकी सैलरी के बारे में बात करें तो गुड सैलरी मिलेगा, डिपेंड करेगा आपके पोस्ट, और यहाँ पे पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से आपको हैंडसम सैलरी मिलेगा, उसके रूल के हिसाब से मिलेगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम 10th पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए। बाकी अप्लाई फीस है फ्री, जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भी पीएनबी में भर्ती निकाला गया है यहाँ पे फ्री अप्लाई है, निःशुल्क में आवेदन कर पाओगे। और बात करें लास्ट डेट, तो यहाँ पे अप्लाई सून है, सो आपको फटाफट अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे कोई लास्ट डेट ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है, डेडिकेटेड यहाँ पे बताया नहीं गया है कि यहाँ पे इसी डेट को आपका लास्ट डेट होगा, सो आपको फटाफट अप्लाई कर लेना है। बाकी अब बात करते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको इस आर्टिकल को रीड कर लेना है, रीड करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको अप्लाई का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कैसा पेज आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहेगा ज्वाइन
माइनस का पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का जॉब होगा, एडवाइजर का जॉब होगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर साफ साफ बताया गया है जो लोग ज्वाइनर्स करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोगों को ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है। तो जो आपका पूरा नाम है, यहां पर देख सकते हो वन बॉक्स है जिसमें नेम मांगा गया है, तो यहां पर आपको अपना पूरा नाम एंटर कर देना है। मैं आपको एजुकेशन के लिए, डेमो के लिए बता देता हूं, यहां पे हम एंटर कर देंगे आर ए जे राज वर्मा, ठीक है। मैंने डेमो के लिए एंटर कर दिया है। अब ये हमने नाम यहां पे पूरा एंटर कर दिया, फुल नेम एंटर कर दिया जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे हो। फिर यहां पे आ जाता है मोबाइल नंबर, तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर फोन नंबर हो जिसपे कॉल वगैरह जाता हो, ऐसा नहीं कि भाई इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो, तो उसका नंबर आप यहां पे दे देना, वही नंबर दे देना। तो यहां पे नंबर एंटर कर देना, ठीक है, जो आपका होता है। मैं डेमो के लिए कुछ भी एंटर कर दिया हूं। फिर यहां पे आ जाता है ओटीपी, ठीक है। तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जैसे आप यहां पे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको इस नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा, ठीक है। तो वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहां पे आ जाता है आपका सिटी, तो जो आपका सिटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका सिटी है आप यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर लेना, और मैं यहाँ पे डेमो के लिए आगरा उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर जो आपका जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, वो भी एंटर कर दीजिएगा, मैंने डेमो के लिए एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे जो आपका आ जाता है पिन कोड, तो आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। और फिर यहाँ पे इसका कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है पीएनबी मेटलाइफ का, तो यहाँ पे ये टिक कर लेना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों पीएनबी मेटलाइफ में नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। पोस्ट होगा एजेंट का, इंश्योरेंस एजेंट एडवाइज़र का होगा, और बिल्कुल फ्री में आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, मेल पे इन्फॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सिंपल स्टेप है। बाकी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका चैट सपोर्ट है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो इस प्रकार आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग यहाँ पे पीएनबी मेटलाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा काम है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे pnbmetlife.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकते हो। इसके लिए क्या करना है, गूगल पे आ जाना, गूगल पे सर्च कर लेना pnbmetlife। जैसे आप यहाँ पे मेटलाइफ सर्च करोगे, पीएनबी मेटलाइफ, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं www.pnbmetlife.com, ये है ऑफिशियल वेबसाइट इसका। आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको अप्लाई करना है, जॉब के लिए आवेदन करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है। यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनर विथ हस का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ज्वाइन अस एज एजेंट का मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा एक बटन आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद क्या है, सिंपल सा काम है, एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखा देगा, मतलब आप एडवाइज़र के जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्किल क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बाकी इसके साथ साथ और भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, जैसे हम बैक जाएंगे तो अभी और भी डिटेल यहाँ पे हमें दिखेगा। अभी हमने एलिजिबिलिटी चेक किया, अब अगर हम और भी कोई डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं वर्क प्रोफाइल भी। जैसे हम यहाँ पे वर्क प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल देखने को मिल जाएगा वर्क प्रोफाइल के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्क में क्या होगा, सारा डिटेल है। तो मतलब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों ऑफिशियल वेबसाइट पे आके बता रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मतलब जो आप अपने आर्टिकल में प्रोवाइड करते हो तो उसमें कोई मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे आके बता रहा हूँ। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी और वर्क प्रोफाइल देख लेना, और अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है अप्लाई नाउ का बटन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के सामने अप्लाई का वही फॉर्म आ जाएगा जो फॉर्म मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था अप्लाई करके, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इस फॉर्म को आप लोग यहाँ पर भरना और सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जाते जाते एक जरूरी बात बता दूँ यार, देखो यार अगर आपको कभी भी कोई कॉल आता है और मेल आता है और वहाँ पे ये बोला जाता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी से बोल रहे हैं आप
हमें इतना पेमेंट कर दो, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो आपको इन सब झांसों में आके कभी भी कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।